आज हम नंदी बुल का स्केच बनाना सीखेंगे। पहले मैं नंदी बुल का छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। नंदी कैलाश के द्वारपाल है, जहाँ भगवान शिव का निवास है। वो शिव के वाहन भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में विद्यमान किया जाता है। नंदी का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। नंदी को शक्ति संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। शैव परंपरा में नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु माना गया है, जिनके 8 शिष्य हैं। सनक, सनातन, सनंदन, सनकुमार, व्यागपाद, तिरुमुरल, पतंजलि और योग मुनि। नंदी को हम 4 चरणों में बनाएंगे। सबसे पहले हम एक आयतकार आकार लेंगे, जिसमें नंदी के जो पिछले भाग हैं उन सबको बनाएगा, जैसे झूल, इनके खुर, पैर। उसके बाद हमारा जो दूसरा चरण होगा उसमें हम राइट एंगल बनाएंगे, यानी समकोण, उसमें हमारा सींग और कान होंगे। और तीसरे चरण में हम लेफ्ट एंगल बनाएंगे, उसमें हमारे कान, आँख और नाक होंगे। और चौथे चरण में हम छोटा सा आयतकार बनाएंगे, जिसमें उसमें हम और कूबड़ होगा। हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी 2B पेंसिल की, 5B पेंसिल की, एक इरेजर एंड शार्पनर और A5 सीट। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जो कि 4 सेंटीमीटर लंबा हो और 9 सेंटीमीटर चौड़ा हो। पहले हम हल्का हल्का इसे एक आधार देंगे, फिर हम जस्ट इसी के ऊपर राइट एंगल बनाएंगे, जो कि 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लंबा हो। इसी तरह हम लेफ्ट एंगल भी बनाएंगे, जो कि 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो और 3 सेंटीमीटर इसी से अटैच हो, जो पहला राइट एंगल है। और हम बुल के हम के लिए एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, जब हमने ये चित्र स्टार्ट कर लिया उसके बाद हम सबसे पहले हम्प से स्टार्ट करेंगे नंदी के। इस आकृति के अंदर हल्का हल्का पहले शेड देना है, फिर इसके बाद हमें इस शेड को नेक से होते हुए ले जाना है। उसके बाद हम इनके पैरों की ओर स्केच करेंगे हम से होता हुआ। इस तरह हमें उनका एक आकृति मिल जाएगी। इसी तरह हम दूसरा पैर भी बनाएंगे। और हम इसके बाद फेस की ओर बढ़ेंगे, तो जो लेफ्ट एंगल है उसको थोड़ा सा नीचे हम एक गोलाकार आकार देंगे। फिर हम इस पोर्शन को थोड़ा सा गोल कर देंगे, जिससे हमें एक आकृति दिखने लग जाएगी, जो कि एक बुल के फेस की होगी। इसी के बाद हम उनके पीठ की आकृति बनाएंगे। उसके बाद हमें दिखने लग जाएगा कि ये प्रॉपर एक बुल की तरह है। फिर हम इस पे नंदी के जो अलंकृत झूल होता है उसको दर्शाया गया है, तो हम उसका चित्र
अलंकृत करेंगे। जब हमें पूरी तरह से एक शेप मिल जाएगा तो उसके बाद हम जो ये आउटलाइनें हैं उनको हल्का हल्का मिटा देंगे ताकि हमें एक प्रॉपर शेप मिल जाए। जब हमें ये एक शेप मिल गया तो अब हम सबसे पहले इनका गले का आभूषण बनाएंगे। जब हमारे प्रॉपर तैयार हो गया आभूषण उसके बाद हम फेस की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी सींग बनाएंगे। फिर कान, फिर आईज। फिर इसके बाद इनका मुख हल्का सा शेड करेंगे। जब हमारा ये प्रॉपर हमें आउटलाइन दिखने लग जाए तो इसके बाद हम डार्क के लिए हम 5B का यूज़ करेंगे। अब आपको बिल्कुल डार्क दिखने लग जाएगा। पैरों का उसके बाद हम पैरों में खुर बनाएंगे जो कि उनका डार्क पोर्शन होता है उसको हम डार्क कर देंगे। अभी हम आउटलाइन कंप्लीट करेंगे जो कि ज़्यादातर हम पूरा डार्क करेंगे ताकि हमारी चीज़ें उभर के आए। उसके लिए हम अभी शेड भी करना स्टार्ट करेंगे। हमने आईब्रो बनाई, नंदी के कान। फिर इसके बाद जब हमारा प्रॉपर ये तैयार हो जाएगा तो इसके बाद हम शेड देना स्टार्ट करेंगे जिससे का जो नंदी बुल का स्केच है वो उभरने लग जाए। तो हम पहले आईज़ में शेड करेंगे, तो आईज़ के फ्रंट वाले व्यू पे जो कि एक उभरती हुई आईज़ के रूप में हमें दिखे। फिर इसके बाद हम सींग वाले पोर्शन पर आएंगे, इसके दोनों किनारे पे हल्के हल्के शेड देंगे ताकि ये उभरता हुआ दिखे। फिर इसके बाद उनके माथे पे आपको दिख रहा होगा कि ये धीरे धीरे उभरने लग गया है।
अगर आपके पास 5B पेंसिल ना हो तो आप 2B से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी स्केच आ रही है तो आप सिंपल सी पेंसिल को इस तरह पकड़ के आप इस तरह से कर सकते हैं, ताकि एक जो हैचिंग जिसे बोलते हैं वो ऐसे प्रॉपर हो सके। आप इसे हाथ से भी रब कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा इसमें मिल जाए। चीज़ें उभारने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के किनारे पे डार्क पेंसिल का यूज़ करना है। उनके गले के आभूषण के लिए नीचे वाली आउटलाइन पे ज़्यादा डार्क करने हैं। ताकि ये उभरता हुआ नजर आए। इसके बाद हम इनके पैरों के पास डार्क करेंगे। हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे ताकि हमें चीज़ों का पता नहीं चले। पहले प्रॉपर तरीके से फर्स्ट लेयर करेंगे, फर्स्ट लेयर बनाएंगे। उसके बाद हम बुल के हम पर हल्का पहला लेयर चढ़ाएंगे, फर्स्ट स्टोन जिसे कहते हैं। शुरुआत में हमें पहले फर्स्ट स्टोन ही यूज़ करना है। जब हमने ये फर्स्ट स्टोन कर दिया तो इसके बैक साइड पे भी हम उसी तरह हल्का हल्का फर्स्ट स्टोन करेंगे। और इनके झूल पे जो है हम ऊपर के पोर्शन पे फर्स्ट स्टोन ना देके थोड़ा डार्क देंगे, और उसके थोड़ा सा नीचे की साइड पे हल्का देंगे, ताकि ये हमें ज़्यादा डार्क दिखने की वजह से उभरता हुआ नज़र आए। तो फर्स्ट स्टोन के बाद हम इसमें देखेंगे कि अब कौन सी चीज़ें ज़्यादा उभारनी है और कौन सी चीज़ें कम उभारनी है। तो इससे हम इस पेंसिल का ज़्यादा डार्कनेस पॉइंट यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम हम्प से स्टार्ट करेंगे। तो इसके दोनों यहाँ पर ज़्यादा डार्क करेंगे, ताकि ये, क्योंकि ये पोर्शन छुपा रहता है, इस वजह से ये ज़्यादा डार्क होगा। और जहाँ से हमें सामने से जैसे लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे कम होगा। और इस भाग में हमें डिफरेंस दिखाने हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा। इनके गले के आभूषणों के लिए भी डार्केस्ट पॉइंट यूज़ करेंगे, ताकि वो अच्छे से दिखे। और नंदी के गले में आभूषणों को उभारने के लिए हम इनके आभूषणों में नीचे की साइड अत्यधिक डार्क करेंगे। और साथ ही साथ हम इसको आउटलाइन भी करते चलेंगे, ताकि वो आउटलाइन छुपे नहीं। दोनों पैरों के खुर को पूरी तरह डार्क कर देंगे। और इनके बैक को भी ताकि ये अच्छी तरह से दिख सके। तो इस तरह हमारा जो नीचे का एरिया जो है वो पूरी तरह कंप्लीट है। अब हम फेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फेस में पहले हम गर्दन की ओर अत्यधिक डार्क करेंगे।
ताकि वो हमें गोलाई के रूप में दिख सके। और हम आउटलाइन के साइड में लास्ट टोन जो सबसे डार्केस्ट होती है उसको यूज़ करेंगे। ताकि हमें अंतर दिख सके ऊपर और नीचे का। हम इसको एक डार्केस्ट आउटलाइन देने जा रहे हैं ताकि ये और अच्छे से हमें उभरता हुआ दिखे। और इस तरह हमारा नंदी बुल कंप्लीट हो गया।